मेरा टॉपिक है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। जैसा कि आपने पिछले प्रेजेंटेशन में सुना है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही एक रूप है, जिसमें इसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 में राममूर्ति कमेटी बनाई गई, जो अपनी रिपोर्ट में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 1991-92 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक रूप है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उचित सुधार हेतु भारत सरकार को सुझाव देना था, जिससे राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा मिल सके। इसका लक्ष्य शिक्षा में नवीन परिवर्तन एवं समाज की बदलती परिस्थितियों तथा उसकी जरूरतों को देखते हुए उचित परिवर्तन लाना था। इसके द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्लस टू को स्कूली शिक्षा के संचालन का माध्यम बनाया गया। इसमें व्यक्तिगत योग्यता और राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीट पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। सामाजिक असमानता हेतु SC ST एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी अनेक सुझाव दिए गए। अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान बनाए गए। विकलांगों की शिक्षा हेतु स्वैच्छिक प्रयास को हर संभव सही तरीके से प्रोत्साहन किया जाए। इसमें 300 की जगह 200 लोगों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई। 1986 में कक्षा 9-10 को माध्यमिक शिक्षा माना गया, परंतु 1992 में प्लस टू को जोड़कर कक्षा 10 से 12 तक की कक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया। विद्यालय में 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक पहुंच एवं नामांकन पर जोर दिया गया। इसमें पर्यावरण सुरक्षा एवं महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। आगे के प्रेजेंटेशन के लिए मैं सुजीत सिंह को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू नितीश जी। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं, इसके द्वारा 1986 का क्षेत्र विस्तार किया गया। इसको विस्तृत रूप से परिभाषित करने का कार्य 1992 के द्वारा किया गया। इसमें 1986 के अर्थ को विस्तार से समझाने का कार्य किया गया। इसके द्वारा महिलाओं की शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। शिक्षा के सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने का कार्य किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की आवश्यकता थी। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। इस प्रकार इसके उद्देश्यों में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा के सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने को, महिलाओं को सशक्त बनाने, वंचितों तथा अल्पसंख्यकों के लिए सही स्थान हासिल करने में सकारात्मक एवं हस्तक्षेप की भूमिका निभानी चाहिए। थैंक यू।